तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जाने वाले हैं गाइस डोरेमोन। तो गाइस किस किस ने डोरेमोन को याद किया है वो मुझे कमेंट पे जरूर से बताइए गाइस। और गाइस आपको याद है कि पिछले एपिसोड में नोबिता ने एक आइलैंड की खोज कर ली थी, पानी से निकल के आए थे। तो चलो हम यहाँ से देखते हैं। और गाइस हमें उस आइलैंड में पहुँचने के लिए गैजेट का यूज़ करना पड़ा था, बोट का, जैसा कि आपने देख लिया। और नोबिता यहाँ पर पहुँच चुका है इस किले के अंदर, और देखते हैं इस किले के अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो हम स्विच कर लेते हैं डोरेमोन को। तो हम यहाँ से ले लेते हैं ये डोरेमोन। इसमें हमारे पूरे करेक्टर्स अनलॉक हो चुके हैं। ये सुनियो जियान पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं किस बात पे, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपना डोरेमोन ना सबको सॉल्व करा देगा। तो यहाँ से अभी अपना डोरेमोन काफ़ी स्पीड में भाग रहा है यार, पता नहीं। और ये क्या है, चूहा है क्या, ये क्या है, ये ईगल उल्लू टाइप का लग रहा है। तो डोरेमोन ने उसे बात करके गायब कर दिया है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर, और हम देख लेते हैं गाइस यहाँ पर ये सिजुका और नोबिता, इसकी कुछ बातचीत चल रही है। क्या बात कर रहे हो, हमें भी तो बताओ। चलो इनकी जापनीज भाषा है ना गाइस, तो मुझे समझ में नहीं, मुझे क्या किसी को भी नहीं समझ में आएगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्या लेना देना, हम चलते हैं इस गेट की ओर। तो गाइस यहाँ पर हम अंदर घुस चुके हैं, और ये तो उल्लू बनाने के लिए था क्या। यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है उस साइड तो। और ये क्या बॉल सी घूम रही है, रुक जाओ, इस बॉल से हम बात कर सकते क्या। ये क्या बोलते जा रहे हैं, तेरी तो सारे वहीं वहीं कर रही है। तो यहाँ पर मैं इसको उड़ा सकता हूँ क्या, रुक जाओ, मैं अपने, मुझे अभी एक गन मिली थी, तो चलो मैं इस गन से ना इस बॉल को उड़ा देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस बॉल को उड़ाने में, चलो देख लेते हैं हम गाइस। ये डोरेमोन क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, ओ तुम लोग फ्री फंड में। और ये अंकल कौन है यार। तो यहाँ से गाइस मैं अभी तो बैक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर ये हो क्या रहा है, क्या लफड़ा चल रहा है इन लोगों का। तो मैंने बैक कर दिया है, और तू रुक जा बॉल कहीं के। यहाँ पर गाइस मैंने इस बॉल को उड़ा के रख दिया है, पता नहीं क्या क्या नमूने भरे हुए हैं इस पे। पर जो भी है, अपना डोरेमोन वाई तो काफ़ी रफ्तार में भाग रहा है इस बार। यहाँ पर तो कुछ नहीं था गाइस, एक गेट हमारे सामने भी है, तो इससे हम उड़ा सकते क्या ये, ना इससे ये नहीं उड़ेगा। हम चलते हैं इसके अंदर, ये वाले गेट के अंदर। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। कुछ भी नहीं है, ये पुल बना है, और ये बॉल्स हैं यहाँ पर फिर से आ चुकी हैं। तो इनको तो मैं फोड़ फाड़ के ही रख दूँगा। क्यों वे क्या वहीं वहीं कर रहे हो, ले ले चूँ 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 करते रहते हैं गाइस इन लोग। यहाँ पर मैंने इन दोनों को ही फोड़ दिया है। डोरेमोन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और यहाँ पर मुझे एक चाबी टाइप की ना कुछ मिल चुका है। तो चलो हम दोबारा से वापस चलते हैं, और देख लेते हैं क्या रहस्य है इस चाबी का भी। तो अब हम यहाँ से सीधा सीधा चलेंगे गाइस, और इसके अंदर आ चुके हैं। अब मुझे जाना है, एक और गेट है, तो इस गेट के अंदर हम चलते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा भूल भुलैया टाइप की है गाइस यहाँ पर, मैं ना पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ पर है। यहाँ से मैं जाता हूँ, पूरा दीवार एक जैसे ही कलर की है, और ये कुछ बटन टाइप की, तो मैं इसे पहले फोड़ता हूँ। अच्छा ओ भाई साहब, यहाँ पर तो टाइमर चालू हो गया। तो मेरे ख्याल से गाइस ना ये टाइमर से पहले ना मुझे वहाँ पर पहुँचना है। तो चलो मैं इस टाइमर से पहले पहुँच जाता हूँ। डोरेमोन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भाग रहा है, तो आई थिंक सो कि ये पहुँच जाएगा अभी। मेरे पास 7-8 सेकेंड बचे हुए हैं, बस ये पहुँच चुका है। अपना डोरेमोन काफ़ी ज़्यादा तेज है इस बार तो अभी। अब चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अब क्या गेट है, यहाँ एक गेट है। तो हम पहले यहाँ जाएँ कि इस साइड जाए, देख लेते इस बार क्या चीज़ है यहाँ पर। अच्छा ये बॉल है, बॉल के साथ हम फुटबॉल खेलेंगे। लो गायब कर दिया मैंने। यहाँ से अब मैं दोबारा वापस चलते हैं गाइस, और अब वो गेट ही है यहाँ पर। तो वैसे कुछ हाल ही में कुछ खास तो है नहीं, तो हम इस गेट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। अरे ये क्या डब्बे से रखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ना गाइस मुझे इसके ऊपर चढ़ के जाना है उस पार। अरे भाई नहाना नहीं था डोरेमोन, तुम मशीन हो, तुम क्यों भूल जाते हो बार बार कि तुम नहा नहीं सकते हो। चलो हम चलते हैं, जंप मार दिया है मैंने यहाँ पर, अब मुझे इसके ऊपर जंप मार दिया है। अब मैं इसके अंदर चलता हूँ, अब मैं आगे बढ़ते हैं हम, क्या करें। अच्छा ये बटन टाइप की लगी है ना गाइस, मुझे इस पर मारना है। तो तुम्हारे भाई ने एक बार में ही ना उस बटन को भी दबा दिया है,
भाई चैंपियन ही है ना तुम्हारा। अब मैं यहाँ से, अरे शिट, नहाना नहीं है डोरेमोन, कितने बार मना करूँ मैं तुम्हें, मानते ही नहीं है गाइस ये। यहाँ पर इसे नहाने की शौक है, नोबिता को और उल्टा ही है, वो नहाता नहीं है और ये नहा रहा है। फिर देखो ये छलांग मार देता है बार बार। चलो इस बार लैंडिंग कर लेना, नहीं तो हम तुम्हें ना डिस्ट्रॉय कर देंगे जैसे रोबोट वाली फिल्म में किया था। इस बार गाइस डोरेमोन ना डर चुका है, अब वो नहीं जा रहेगा जानबूझ के जंप, अब वो यहाँ मारे, देख रहे हो गाइस भाई का कहर भी चलता है यहाँ पर। अब डोरेमोन ना बिल्कुल भी पानी में छलांग नहीं मारेगा, एक आध बारी गलती से मार दिया है तो अपन माफ़ कर देंगे उसे, जैसे कि इस बार। अब मैं दोबारा से, डोरेमोन से गलती नहीं होगी, अब जाएगा डोरेमोन जंप मारेगा। ये देखो गाइस डोरेमोन भी कभी कभार गलती कर देता है, पर कोई दिक्कत नहीं। और मुझे ना वहाँ पर वो चीज़ लेनी है। और डोरेमोन जंप मार दो अपनी हाई जंप, वैसे तो ये नट्टी सा है पर इतनी हाई जंप कैसे मार लेता है। एक गैजेट हमने ले लिया है, अब डोरेमोन मारेगा वहाँ पर जंप। ये डोरेमोन ने अब जंप मार दी है, अब ये सीधे सीधे जाएंगे। अरे शिट, ये क्या था यार यहाँ पर, ये मुझे लग रहा था कि कुछ लफड़ा है पर मुझे ये नहीं पता था। अरे यार डोरेमोन तुम जान मुझे क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें। हूँ यहाँ पर आरटी भाई की बात मानो और सीधे सीधे चलते चलो। हाँ यहाँ पर अब जा रहे हैं अब हम अंदर। अब ये क्या गुफा सी B2 कुछ जगह पर है गाइस, वहाँ B2 कुछ लिखा था तो आई थिंक सो कि ये जगह का नाम है। और ये पहरेदार खड़े हुए हैं और मैंने इनको ना बॉल को बना दिया है, एक मटके के रूप में तब्दील कर दिया है, तो ये कोई गेट तो नहीं है। और यहाँ भी कुछ भी चीज़ नहीं है। डोरेमोन से पंगा लोगे ना तो वो गन से ही उड़ा देगा सबको, बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक हो चुका है गाइस डोरेमोन। अब ये कौन सी जगह पर, और ये क्या UFO सा उड़ रहा है, UFO सी शकल के, तुझको तो बताता हूँ। अब डोनट बन गया है गाइस, डोरेमोन को तो डोरा केक पसंद ही है, तो उसके सामने ये गोल गोल चीज़ें बंद दिखाना, नहीं तो वो मार लेगा डायरेक्ट ही। वो गोल गोल यानी डोरे केक खा लेगा वो, गलत मत समझना गाइस, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं रहती है, पर बातें कुछ ऐसी हो जाती हैं कि वो कुछ डबल मीनिंग बन जाती है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये फिर देखो गाइस ये कैसी फायरिंग कर रहा है, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, साले कहाँ भाग के जा रहा है, इसको लड़ना ही है हम, इसको तो मार के ही जाएंगे। आजा आजा आजा। एक तो ना गाइस इस गेम की ना एंगल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कंट्रोलिंग तो चलो ठीक है, पर तुम्हारे भाई ने तो भी इसे मार दिया है। अब हम यहाँ पर चलते हैं इस लोकेशन पे। तो अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, भूल भुलैया टाइप का मैप है गाइस, तो इससे ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है जो फर्स्ट टाइम इसे खेलेगा। यहाँ से हम जा रहे हैं, ये पोल क्यों टूट रहे हैं यहाँ पर, तो अब मैं देखता हूँ। यहाँ पर ये फिर से आ चुका है यार, इतने बार तो भाई साहब कोई चीज़ नहीं आती, जितने बार ये ले गोली खा मेरी। अब ये चाबी फिर से हमने ले ली है गाइस, अब हम यहाँ पर चलते हैं और इस गेट के अंदर घुस जाते हैं। तो गाइस आई थिंक सो के ना हमारा पूरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आगे कोई भी गेट वेट नहीं है, तो हमारा ना यहाँ पर मिशन कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इसको एंड कर देते हैं यहाँ पर। तो डोरेमोन को देख लो, काफ़ी क्यूट सा बंदा है जो इतने मुश्किलों से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो इसके लिए गाइस लाइक और कमेंट तो बनता है ना बस अपने डोरेमोन भाई के लिए। अगर आपको इसमें मज़ा आया होगा ना डोरेमोन को देख के, तो मुझे कमेंट पे बताइएगा और मुझे बताइए कि मैं इस डोरेमोन वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा नहीं, आप मुझे ये बता सकते हैं। और हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।